लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सबकी दिवाली खुशहाली भरी हो, इसके लिए फैंसी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट ने नवी मुंबई के 45 दिव्यांगों को दिवाली की सौगात बांटी। ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी ईस्टर एस ए राजन और ट्रस्टी दीपिका राजन ने कहा कि वे 33 सालों से दिव्यांगों को मदद करते आ रहे हैं ताकि वे अपने दम पर अपनी रोजी रोटी कमा सके। देखिए रिपोर्ट। तैंतीस सालों से दिव्यांगों के लिए मदद अभियान चला रहे फैंसी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट ने आज बेलापुर में 45 दिव्यांगों को दिवाली की सौगात और खाद्यान्न किट का वितरण किया। ट्रस्ट के फाउंडर और पूर्व कस्टम अधिकारी ईस्टर एस ए राजन ने कहा कि अक्सर दिव्यांग सड़कों पर भीख मांगते हैं, उन्हें सम्मान के साथ जीने और रोजी रोटी कमाने का मौका मिले, इसके लिए फैंसी ट्रस्ट लगातार काम कर रहा है। दिवाली के अवसर पर उन्हें भी खुशी मनाने का मौका मिले, इसके लिए ट्रस्ट हर साल ऐसी सौगात बांटता रहा है। वहीं ट्रस्टी दीपिका राजन ने कहा कि बिना डोनेशन लगातार ऐसी मदद करना कठिन है। उन्होंने विविध प्रतिष्ठानों और प्राधिकरणों से दिव्यांगों के लिए हाउसकीपिंग कार्य देने की अपील की। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कई अपाहिज लोग जो है जो सड़क पर भीख मांगते हैं, तो उनको रोजी रोटी कमाने के लिए हमने एक रास्ता बनाया उनके लिए, और उनके लिए हम काम लेते हैं, काम का उनको रोजी रोटी कमाने के लिए हम सिखाते हैं और भीख मांगने से दूर रहने का। इस तरह से 33 साल हो चुके हमें, और 33 साल से हम दिवाली भी सेलिब्रेशन करते हैं। हम दिवाली सेलिब्रेशन में कोई ना कोई बड़ा हमारा देश का महान आदमी को बुला लेते हैं, हम उनके हाथों से मिठाई और गिफ्ट भी बांट देते हैं। इसी तरह से आज इस हमारा जो दिवाली है बड़े सिंपल तरीके से हमने किया है। आगे हमें और भी कुछ काम करना है, लेकिन हम चंदा नहीं ले रहे 33 साल से, क्योंकि हम अपाहिजों को सिखा रहे कि रोजी रोटी कमानी। अगर हम भी चले जाए भीख मांगने, हम में और उनमें क्या फ़र्क है, ये दिमाग में रखते हुए आज तक हमने किसी से चंदा लिया नहीं। कोरोना की वजह से जब जितने भी लोगों को परेशानी हुई है, हमारा ट्रस्ट का एनजीओ का यही उद्देश्य रहा है कि सबकी मदद की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए। आज तक हमने डोनेशन लिया नहीं है, उस वजह से हम लोग सभी लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, हमारे एनजीओ को, हमारे फैंसी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। और जो हम लोग क्लीनिंग का काम लेते हैं मोस्टली, तो क्लीनिंग का काम हम ले, हाउसकीपिंग का काम हमको मिले, और जो अब जो फिज़िकली हैंडीकैप हैं, दिव्यांग हैं, उनको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिले और अपने पैरों पे खड़े होके वो रोजी रोटी कमाएं। और सबसे वही विनंती है, रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो, काम मिले हमारी ट्रस्ट को, बस यही कामना है। गौरतलब है कि फैंसी रिहैबिलिटेशन ट्रस्ट अब तक 400 से अधिक दिव्यांगों को जीविका का साधन दिला चुका है। फाउंडर एस ए राजन की माने तो एक्सीडेंट में अपाहिज हुए 15 परिवारों को भी ट्रस्ट नियमित तौर पर राशन उपलब्ध कराने में जुटा है, ताकि उन्हें भीख मांगने की नौबत न आए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।